सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल स्प्रेडशीट में टैब को हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं। ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर बेसिक से लेकर एडवांस तक के ट्यूटोरियल्स मैं कवर कर चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, हाइड करना तो बड़ा आसान है, लेकिन अनहाइड करने के लिए हमें थोड़ा समझना होगा कि कहां पर हमें अनहाइड का ऑप्शन मिलता है। देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि हाइड कैसे करते हैं। तो ये देखिए, नीचे हमने दो टैब बनाए, एक नेम का और एक एज का। तो हाइड करने के लिए इस ड्रॉपडाउन पे क्लिक करिए और यहां से हाइड शीट पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि नेम हाइड हो गई। अच्छा, इसको दो तरीके से अनहाइड कर सकते हैं। तो अनहाइड करने के लिए हमको जाना है ऊपर के ऑप्शंस में, व्यू ऑप्शंस में। ये देखिए, यहाँ पर व्यू ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ देखिए हिडन शीट का एक फॉर्मूला, सॉरी एक ऑप्शन आपको मिलता है हिडन शीट। जब यहाँ कर्सर ले जाएंगे तो जो भी शीट आपने हाइड करी होगी वहां उसका नाम यहाँ पर दे रहा होगा। बस सिंपल इस पर क्लिक करिए और आप देखेंगे कि जो आपने शीट हाइड करी थी वो यहाँ नीचे आ गई है। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है, अगर वहां पर आप नहीं गए तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो ऑल शीट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, जो भी शीट आपने हाइड करी होगी जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सारी शीट्स दिखा देगा। तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप अनहाइड कर सकते हैं टैब को, ठीक है, या शीट को। ठीक है।